हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिगरिंग ऑफ फ्लॉप ट्रिगर इज अ मोमेंट्री चेंज इन इनपुट सिग्नल्स एंड फ्लॉप इज ट्रिगर्ड व्हेन इट इज फोर्स अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल एंड इट स्विचेज इट्स प्रेजेंट स्टेट ठीक है तो ट्रिगर करने का मतलब समझ में आया ट्रिगर करना मीन्स आप किसी को स्टिमुलेट कर रहे हैं आप किसी को चेंज होने के लिए रेस्पॉन्स uh, करने के लिए आप उसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रिगर वेरी टेक्निकल सिंपल आपका जो लिटरल मीनिंग है उसी से मिलता जुलता आपका यहाँ पे ट्रिगर का टेक्निकल मीनिंग निकलता है उसको अगर डेफिनेशन uh, हम प्रोवाइड करें कि अगर हमसे पूछा जाता है कि डिस्कस द ट्रिगरिंग इन फ्लिप फ्लॉप तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं द स्टेट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इज स्विच्ड बाय अ मोमेंट्री चेंज इन इनपुट सिग्नल दिस चेंज इन इनपुट इज़ कॉल्ड अ ट्रिगर ठीक है इनपुट में मोमेंट्री चेंज करना ट्रिगर करना कहलाता है एंड ट्रांजिशन इट कॉज जो भी चेंज ये कॉज करता है ये रिफ्लेक्ट uh, करता है set, इस सेट ट्रिगर द फ्लिप फ्लॉप इस ट्रांजिशन को हम फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करना कहते हैं ठीक है थीके? इस ट्रिगरिंग को समझने के लिए हम हमारा जो बहुत इनिशियल जो हमने असिनकोनस आर एस फ्लिप फ्लॉप जो बहुत इनिशियली पढ़ा था नॉर्थ गेट को लेके उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके और फिर इसके मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं ये आपका सिंपल असिनकोनस आर एस फ्लिप फ्लॉप है जो कि असिनकोनस सिक्वेंशियल सर्किट में डिफाइन होगा इसमें आपका इनपुट आर और एस है और उसी के अकॉर्डिंग आपका, आपका आउटपुट स्टेट क्यू आर क्यू बार है यहाँ पे आइडियली हम ये सोचते हैं कि हमारा जब भी इनपुट चेंज होगा इनिशियली जब स्टेबल कंडीशन में आप एक आर एस फ्लिप फ्लॉप को कंसिडर करते हैं तो आर और एस दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं और आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्लियर स्टेट में है क्लियर स्टेट में होने का मतलब उसका क्यू जीरो है और क्यू बार वन है और वो अपनी स्टेबल कंडीशन को मेनटेन कर रहे हैं जैसे ही आप आर और एस में वेरिएशन प्रोवाइड करेंगे उनमें मोमेंट्री चेंज करेंगे फ्लिप फ्लॉप उनको सेंस करेगा और उसे सेंस करके जो भी आपने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर लेगा अपने करंट स्विच को करंट uh, स्टेट को स्विच कर लेगा लेकिन यहाँ पे ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये जो विजुअलाइजेशन है वो इतना सिंपल और इतना क्लियरली नहीं इम्प्लीमेंट uh, हो पाता यहाँ देख दूसरा ऐसा कि आपका इनपुट कुछ देर तक वन रहता है ठीक ये इनपुट आपका कुछ देर तक वन रहता है ये इसका लेवल ठीक है इसी पल्स की विथ ये मान लीजिए आपकी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक ऑफ रहती है इसके ऑफ ऑन से ऑफ़ होने ऑफ से ऑन होने का जो ये टाइम है इसे आप लेवल बोलते हैं जितनी देर तक ये हाई है जितनी देर तक लो है इसे आप लेवल ऑफ पल्स बोलते हैं ना लेवल हाई लेवल लो लेवल ठीक तो यहाँ पे ये जो आपके लेवल है एक के हाई से लो होने से पहले हो सकता है कि दूसरा हाई हो जाए देर इज एन मिस इनस इंक्नाइजेशन बिटवीन दीज इनपुट्स वो भी आपके रिजल्ट को कन्फ्यूज स्टेट में ले जाएंगे दूसरा कि ये आपका इनपुट इतनी देर तक हाई रहा तब तक ये आपका गेट मॉडिफाई होके अपने आउटपुट स्टेट को मॉडिफाई कर लेता है आउटपुट स्टेट वापस दूसरे इनपुट में फीडबैक पाथ में कनेक्टेड है और आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अगेन मॉडिफिकेशन हो जाता है यू आर नॉट श्योर अबाउट द कन्फर्म्ड आउटपुट स्टेट तो ये जो आपकी कन्फ्यूज स्टेट है जो आ, आपका आ, कभी भी इनपुट को सेंस करके आउटपुट को मॉडिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट है एस इनकोनेस आर एस फ्लिप फ्लॉप में उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्लॉकड आर एस फ्लिप फ्लॉप बना लिया मीन्स कि ये जो आपका ओरिजिनल फ्लिप फ्लॉप सर्किट है वो किसी भी वक्त इनपुट को सेंस नहीं करेगा वो कब इनपुट को रीड करे वो इनपुट को रीड करेगा जब भी आप उसके साथ एक क्लॉक सिग्नल देंगे क्लॉक इज अगेन अ सीक्वेंस ऑफ हाई लो हाई लो जिसे आप ऑन ऑफ बोलते हैं ठीक है ऑन ऑफ इस क्लॉक सिग्नल को हम एंड गेट में आर और एस के साथ आर के साथ भी और एस के साथ एंड फंक्शन परफॉर्म कराते हुए ओरिजिनल एस और आर में फीड करते हैं अब आपके आर और एस इनपुट जो हैं वो रेंडमली अगर चेंज हो रहे हैं तो वो इस आउटपुट को नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे आउटपुट तभी मॉडिफाई होगा जब क्लॉक भी मॉडिफाई है तो रेंडम चेंज को सेंस करके रेंडम आउटपुट देना जो है वो क्लॉक आर एस में कंट्रोल हो गया इससे अब हम सिंक्रोनस सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में डिफाइन करते हैं और डिजाइनर जनरली इस तरह के आपके सिंपल फ्लिप फ्लॉप सर्किट को डिज़ाइन करना प्रेफर नहीं करते एंड दे ऑलवेज प्रेफर अ क्लॉग्ड सिक्वेंशियल लॉजिक दैट परफॉर्म एज अ फ्लिप फ्लॉप और इसके लिए आप सिंपली इनपुट के साथ एक इस तरह से एक एक्स्ट्रा सिग्नल भी दे देते हैं और ये आपका हो गया है क्लॉग्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप ठीक है क्लॉक का फंक्शन है रैंडम फ्लक्चुएशंस को सेंस करके कन्फ्यूज आउटपुट स्टेट में ना एंटर हो केवल हम तभी इनपुट्स को आपका आर भी अपियर हो गया है एस भी अपियर हो गया है और ये कुछ देर तक सेटअप टाइम तक ये उसी स्टेट में रहेंगे उस स्टेट में जब ये हैं तब आपकी क्लॉक हाई हो जाएगी क्लॉक आर और एस इन तीनों की जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्टेटस uh, है उसको फ्लिप फ्लॉप सेंस करता है और आउटपुट प्रोवाइड कर देता है तो क्लॉकड आर एस फ्लिप फ्लॉप से आप इस तरह से अपनी फ्लिप uh, फ्लॉप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्लॉक ने रेंडम फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लिया है अब क्लॉक के किस पोर्शन पे आपका फ्लिप फ्लॉप इनपुट को सेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्लॉग्ड फ्लिप फ्लॉप को और दो या क्लॉग्ड ट्रिगरिंग को और दो सेक्शन में सब डिवाइड कर सकते हैं लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप जनरली हमारी जो क्लॉक पल्स चली आ रही है वो इस तरह से रहती है ये ऑन ऑफ जब ये हाई रहती है तब हम इसे हाई और ये लो ठीक है ये इनकी स्टेट्स हैं और ये पूरा एक जो है वो इसका टाइम पीरियड है और जब तक ये ऑन है उसे हम बोलते हैं पल्स विथ ठीक है पल्स ड्यूरेशन पल्स विथ जो भी है टी ऑन को आप जनरली पल्स विथ भी बोलते हैं ठीक तो आप अगर आपका फ्लिप फ्लॉप जब तक क्लॉक हाई है तब तक इनपुट को सेंस कर रहा है तो आप उसे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लॉप बोलेंगे और अगर वो क्लॉक के लो लेवल तक ट्रिगरिंग कर रहा है तो आप उसे नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लॉप बोलते हैं यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि हमने फ्लॉप डिज़ाइन किया ये क्लॉक सिग्नल है और ये सेट ऑफ गेट है यहाँ पे हर आपका जो लॉजिकल गेट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स डायोड्स, रजिस्टर्स हैं ओके आप जब भी जैसे आपको आपने सिंपली एक नॉर गेट का सिंबल बनाया आपने सिंपली एक एंड गेट का सिंबल बनाया दिस नॉर गेट दिस एंड गेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड, एंड इट टाइम टू प्रोड्यूस और अपडेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट तो आपने ये जो गेट ले रखे हैं जो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट आने के बाद यहाँ पे आउटपुट को अपडेट होने में एक टाइम जो है वो हमेशा रिक्वायर्ड होता है और उसे हम गेट का प्रोपोगेशन टाइम बोलते हैं तो क्या है टी पी प्रोपोगेशन डिले ये होता है हमेशा गेट का ओके या फ्लिप फ्लॉप का सेट ऑफ गेट्स तो फ्लिप फ्लॉप का एक है आपका डेल्टा टी जिसे आप बोलते हैं पल्स विथ कौन सी पल्स विथ जिसे कि आप जनरली क्लॉक सिग्नल बोल रहे हैं अगर आपने लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया और इस क्लॉक का जो विथ है इस क्लॉक का विथ जो है वो पॉपोगेशन टाइम से अगर ज्यादा है तो क्या होगा आपने यहां पे इनपुट अप्लाई किया मान लीजिए 10 सेकेंड 10 नैनो सेकेंड ये प्रोपोगेशन टाइम 10 नैनो सेकेंड का है और आपने अपनी जो क्लॉक इसमें अप्लाई की है वो 20 नैनो सेकेंड तक ऑन रहती है ठीक है 20 नैनो सेकेंड तक ऑन ऑफ रहती है 10 नैनो सेकेंड में प्रोपोगेशन डिले के बाद ये आउटपुट अपडेट हो जाएगा और ये अपडेटेड आउटपुट जो इनिशियली जीरो था जीरो से वन हो गया अब ये वन वापस फीडबैक लूप में जाके इनपुट को अभी भी सेंस करेगा और इनपुट के अकॉर्डिंग मे बी ये अगर नेक्स्ट स्टेट में स्विच कर जाए तो अगर आपने लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया और उसमें आपकी पल्स विथ जो है वो गेट सेट ऑफ गेट ठीक है गेट या आप इसे फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं ना फ्लिप फ्लॉप पूरा फ्लिप फ्लॉप का पर्पोगेशन डिले तो अगर ये इसकी जो पल्स ड्यूरेशन है वो पर्पोगेशन डिले से ज़्यादा है तो आपका ये जो फीडबैक कनेक्शन है ये एक से ज़्यादा स्विचिंग आउटपुट में क्रिएट कर सकता है और आपको इनकरेक्ट आउटपुट आउटपुट स्टेट्स मिल सकती है इस कंडीशन में आप क्या करें कि आ, क्या उपाय है कि आप ये जो डेल्टा टी है उसे हमेशा टीपी से कम रखें बहुत नैरो विथ की आप पल्सेज बनाएं लेवल ट्रिगर्ड में अगर आपका डेल्टा टी प्रोपगेशन डिले से ज़्यादा है तो लेवल ट्रिगर्ड में आप गलत आउटपुट स्टेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत नैरो ड्यूरेशन की पल्स रखनी चाहिए इस तरह की पल्स जनरेट करना अगेन आपके पास फंक्शन जनरेटर के लिए एक मुश्किल काम है आप बहुत ही फाइन आपका सर्किट इम्प्लीमेंटेशन इसमें चाहिए तो उसको और ओवरकम करने के लिए हम सेकेंड एक और प्रोसीजर अडेप्ट कर सकते हैं जिसमें हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करें व्हाट डज इट मीन बाई एज ट्रिगर्ड एज ट्रिगर्ड का मतलब ये कि फ्लिप फ्लॉप पूरे ड्यूरेशन तक इनपुट को सेंस नहीं करेगा पल्स के लेवल तक चेंज इन इनपुट को सेंस नहीं करेगा ये जब भी क्लॉक पल्स में ट्रांजिशन हो रहा है अगर क्लॉक ज़ीरो से वन जा रही है इस वक्त आर और एस की जो भी वैल्यू है उसको वो सेंस करेगा और इस मोमेंट पे आर एस की वैल्यू एज वेल एज क्लॉक मूविंग जीरो टू वन उन तीनों कंडीशन में जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से आउटपुट क्रिएट कर देगा तो अगर लेवल की जगह फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के ट्रांजिशन को रेस्पॉन्स करता है और ट्रांजिशन पे अपने आप को अपडेट करता है तो उसे आप एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं ये क्लॉक के एजेज पे रेस्पॉन्स करता है ट्रिगर होता है अपने आप को अपडेट करता है इसमें फिर आपके पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप आप बना सकते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप जब भी आपकी पल्स ज़ीरो से वन जाएगी लो से हाई जाएगी तब इनपुट को सेंस uh, करेगा और आउटपुट अपडेट करेगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में जब भी आपकी पल्स हाई से लो की तरफ मूव कर रही है उस सेक्शन में इनपुट को सेंस करेगा और अपने आप को अपडेट कर लेगा वन से ज़ीरो के ट्रांजिशन में नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अपडेट होता है लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के केस में किस तरीके से हमें uh, गलत रिजल्ट मिल सकता है या हम रिजल्ट के बारे में अनसर्टेन हो सकते हैं उसमें आप एक स्पेशल एप्लीकेशन है जे के फ्लॉप जब जे और के दोनों को हाई रख के इसे हर क्लॉक के साथ हम टॉगल करने के लिए स्पेशली सर्किट में लगाते हैं उस केस में अगर आप लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप काम में ले रहे हैं तो आप देखिए कि ये आपकी क्लॉक है ठीक है ये क्लॉक हाई से लो हाई से लो आपकी मूव कर रही है अगर आप लेवल ट्रिगर्ड फ्लॉप इसको डिज़ाइन करें लेवल ट्रिगर्ड का मतलब कि जब तक आपकी क्लॉक हाई रहेगी तब तक जैसे ही जब तक आपकी क्लॉक हाई रहेगी आ, आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो आ, अपनी प्रीवियस स्टेट से टॉगल होता जाएगा कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा तो आप क्या इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ तक हमारी क्लॉक जो थी वो हाई रही और क्यू इनिशियली वन था जैसे ही क्लॉक हाई हाई वो ज़ीरो हो गया इस तक वो ज़ीरो रहा इस ड्यूरेशन तक वो जीरो रहा और नेक्स्ट लेवल आने तक वो ज़ीरो ही रहता है नेक्स्ट पॉजिटिव लेवल आने पर वो वापस ज़ीरो से वन हो रहा है ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? लेकिन अगर क्लॉक का जो पल्स ड्यूरेशन है वो इस फ्लिप फ्लॉप के प्रपोजेशन डिले टी पी अगर डेल्टा टी इज लार्जर देन टी ये क्यों अगर टी बहुत कम है प्रपोगेशन डिले अगर बहुत कम है गेट्स का प्रपोगेशन डिले जनरली बहुत कम नैनो सेकेंड्स के ऑर्डर में होता है तो यहाँ पे आपने ये एक्सपेक्ट किया था लेकिन होता क्या है कि ये अगर आपकी मान लीजिए थर्टी नैनो सेकेंड या फिफ्टी नैनो सेकेंड की पल्स वीड थी ठीक और इसका जो प्रपोगेशन डिले है वो केवल टेन नैनो सेकेंड है आप देखेंगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से मुझे आउटपुट मिलेगा और इस मोमेंट पे आप आउटपुट को ये प्रेडिक्ट कर रहे थे या इस मोमेंट पे आप आउटपुट को ये कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे होता क्या है कि आपका 10 सेकेंड के बाद में क्यू जो है अपडेट हो जाता है और फिर वापस जे और के को वन वन फेस करता है और फिर टॉगल कर जाता है तो आप जो इसमें स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी जगह इस क्लॉक पीरियड में ये तीन चार या मल्टीपल टाइम टॉगल हो जाता है और इस क्लॉक के खत्म होने पे यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटपुट ठीक है मल्टीपल टाइम आउटपुट अपडेट हो जाता है स्विच हो जाता है बिकॉज ऑफ अ लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और इस और इस कंडीशन को जिसमें कि लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में पल्स विथ सिंगल लेवल में सिंगल ट्रांजिशन में मल्टीपल स्विचिंग आपके आउटपुट की हो जाती है मल्टीपल टाइम वो टॉगल हो जाता है उस कंडीशन को हम रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं ठीक है रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं और रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने का क्या प्रोसीजर है या तो आप लेवल ट्रिगर्ड की जगह एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप काम में लें जिसमें फ्लिप फ्लॉप केवल इस एज के वक्त ट्रिगर होगा सेकेंड जो प्रोसीजर है उसमें हम जेके फ्लिप फ्लॉप को स्पेशल आर्किटेक्चर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बना के काम में लेते हैं जिसमें कि हम रेस आ, अराउंड कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से जो ट्रांजिशन टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लिप फ्लॉप को बहुत ही करेक्टली ऑपरेट करने के लिए ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू